नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि एक्सपर्ट्स आगे जाके किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बता रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कमोडिटी बाजार में शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से, यानी कि गोल्ड और सिल्वर से। तो देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर जो सोना है $1,759 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सिल्वर यहाँ पे $22.9 प्रति ट्रॉय अंश पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, हरे निशान पर है। लेकिन सोने चांदी की कीमतों में जो पहले वाले लेवल्स देखने को मिले थे अभी वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका एक कारण है दरअसल डॉलर में तेजी और दूसरा अगले हफ्ते होने वाली फेडरल रिजर्व बैंक की जो मीटिंग है, इन्वेस्टरों की निवेशकों की जो नज़रें हैं अभी उस पर गड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से सोने चांदी में अभी निवेश थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $72 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, बहुत ही छोटी सी करेक्शन है, लेकिन जो लेवल्स हैं वो अभी भी तेजी की ओर हैं, अच्छे खासे ही देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं, जो क्रूड की जो स्टॉक है इन्वेंट्रीज हैं, उनके अंदर एक कमी देखने को मिली है, जिससे कि सप्लाई टाइट हुई है अमेरिका के अंदर और डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इस वक्त आधे फीसदी की तेजी के साथ $4.3 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा बात करें अगर घरेलू वायदा बाजारों की, तो MCX पर जिंक आधे फीसदी की तेजी के साथ ₹255 पर, MCX निकल 1469 पर और लेड 187 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का जो बाजार आज ठीक ठाक ही खुलता हुआ नजर आया है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार को हमें बस इतना ही। नमस्कार।